आशा के मोती चैनल में आपका स्वागत है। माता लक्ष्मी का फल क्यों है जिमीकंद? उत्तर भारत में कई हिस्सों में जिमीकंद को लक्ष्मी माँ का फल मानकर दिवाली के दिन खाना शुभ माना जाता है। वहीं घाना के एक ट्राइबल फेस्टिवल में कंद को सुख समृद्धि देने वाले भोजन के रूप में पूजा जाता है। जिमीकंद को ओल सूरन भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि ओल के चोखे का दिवाली के दिन सेवन करने से धन के भंडार में बढ़ोतरी होती है। साथ ही इसको सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इस कंद के भीतर खुद धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए दिवाली के दिन ज्यादातर घरों में ओल का चोखा खाया जाता है। जिमीकंद सुपर फूड की श्रेणी में आता है। इसमें फास्फोरस होता है, जो विभिन्न बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इसका थोड़ी मात्रा में सेवन भी हमें साल भर का फास्फोरस प्रदान करता है। दिवाली के दिन खाई जाती है जिमीकंद की सब्जी। जाने क्या है परंपरा? दिवाली में साज सज्जा, खरीदारी और दीप जलाने के साथ ही खान पान का भी विशेष महत्व होता है। मिठाई और फल की तरह इस दिन सूरन यानी जिमीकंद की सब्जी भी जरूरी होती है। दिवाली के दिन सूरन की सब्जी घर पर बनाने और खाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। दीप और प्रकाश का त्योहार कहीं जाने वाली दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। इस खास अवसर पर घर की साफ सफाई पर उसे सजाया जाता है। दिवाली के दिन फल व मिठाई बेहद जरूरी होते हैं। इतना ही नहीं, दिवाली के लिए घर पर लड्डू, मिठाई और तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दिन सूरन की सब्जी का भी खास महत्व होता है। सूरन को कई जगहों पर जिमीकंद के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही हम सभी अपने घरों में दिवाली के दिन दादी नानी द्वारा ये सुनते आए हैं कि दिवाली के दिन सूरन की सब्जी जरूर बनानी चाहिए। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में दिवाली के दिन सूरन की सब्जी बनाने और खाने की परंपरा काशी बनारस से आई है। वहाँ दिवाली के दिन इस सब्जी को बनाया जाता है। घर में पूरा परिवार इस दिन इस सब्जी को जरूर खाता है। सूरन गोला आकार होता है। आलू की तरह मिट्टी से खोदकर इसे बाहर निकाला जाता है। मिट्टी से बाहर निकालने के बाद भी इसकी जड़ें मिट्टी में ही रह जाती हैं और अगली दिवाली में उसी जड़ से दोबारा सूरन तैयार हो जाता है। सूरन की इसी विशेषता के आधार पर कहा जाता है कि यह दिवाली को उन्नति और खुशहाली से जोड़ती है। सूरन की सब्जी सिर्फ परंपरा के आधार पर ही नहीं, लेकिन सेहत के लिए भी खूब फायदेमंद होती है। इसमें फैट, कार्ब, प्रोटीन, पोटाशियम, घुलनशील फाइबर पर्याप्त मात्रा में होता है।